यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चंदौली की चकिया विधानसभा, सैयद राजा विधानसभा, मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा, जौनपुर सदर विधानसभा में जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए सभी पार्टियों ने जीतोड़ मेहनत कर रही है, लेकिन प्रदेश के विकास के लिए आप अपना वोट भाजपा को ही दें। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर इस दौरान उन्होंने जमकर निशाना साधा। तंज कसते हुए कहा कि जब देश के वैज्ञानिकों ने टीका तैयार किया तो अखिलेश कहते थे कि ये कोरोना टीका नहीं है, भाजपा का टीका है, इसलिए अखिलेश यादव ने ये टीका नहीं लगवाया। विकास कार्य आपके जनपद आपकी विधानसभा में होते रहे, इसलिए भाजपा को जिताने का काम आपको करना है। 7 मार्च को कमल के फूल पर बटन दबाकर अखिलेश यादव को टीका लगा देना है। केशव ने जनसभा में कहा कि वो भाजपा प्रत्याशी को जिताने नहीं बल्कि विपक्ष पर जितने प्रत्याशी खड़े हैं उनकी जमानत जब्त करने आए हैं। उन्होंने कहा कि वोट के रूप में मैं कर्ज मांगने आया हूं, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, 6 बजे के बाद प्रचार बंद हो जाएगा और मैं आपसे वादा करता हूं कि कोई भी काम पड़े तो केशव प्रसाद मौर्य का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा, ब्याज के साथ विकास का कार्य करूंगा, यूपी को कमल की तरह फूल की तरह खिलाने का काम भी 2017 के बाद हमने किया है, लेकिन जितना किया है वो तो झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। 10 मार्च के बाद से ये फिर से अभियान शुरू होगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि सपा बसपा कांग्रेस ने धोखा देने के अलावा कुछ नहीं किया। 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई, 2017 में योगी की सरकार बनाई, अगर डबल इंजन सरकार के माध्यम से आपके जीवन में परिवर्तन, खुशहाली, गुंडागर्दी कम हुई तो गरीब का हक उस तक पहुंचा हो, नौजवानों को बिना भ्रष्टाचार की नौकरी मिली हो तो 2022 में भारतीय जनता पार्टी का फूल खिला दीजिए, इन 48 घंटों को कमल का फूल खिलाने में लगा दीजिए। साथ ही आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 5 साल मैंने आप लोगों का सर झुकने नहीं दिया, अब आप बीजेपी को मतदान कर मेरा सर झुकने मत दीजिए। कमल खिलाकर आप लोगों को अखिलेश को कोरोना का टीका लगाने का काम करना है। 10 तारीख के बाद सपा समाप्तवादी पार्टी होने जा रही है। केशव ने लोगों से पूछा कि सपा सरकार में बिजली आती थी, सामने से जवाब आया नहीं। 2014, 2019, 2022 में इनको हराने का काम करना है और साथ ही सपा बसपा कांग्रेस होती तो फ्री राशन कभी नहीं मिलता। पीएम मोदी गरीबों का हक ना खाते हैं ना खाने देते हैं। होली में गुजिया खाना मैं आना चाहता हूं। किसानों को बिजली का बिल 10 तारीख के बाद देना नहीं पड़ेगा। 10 तारीख के रोजगार के लिए मेला लगाने का काम हम करेंगे। आने वाली 7 तारीख को आपको कमल खिलाने का काम करना है। साथ ही कहा कि अखिलेश की कुंडली में राजयोग है ही नहीं। केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर तंज कसे और बोले कि मेरी बहुत से ज्योतिषों से संबंध है, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की कुंडली का पता लगवाया है। 25 साल तक सपा का सत्ता में आने का योग नहीं बनता, चारों तरफ फूल की आंधी छाई हुई है और इस आंधी से गुंडे अपराधी बौखलाए हुए हैं, गरीब आदमी खुशी से झूम रहा है, खजाना उनके लिए खोल दिया गया है। 2017 से पहले बिजली आती नहीं थी और भाजपा सरकार में जाती नहीं है, सपा बसपा कांग्रेस का फर्क दिख रहा है। ट्रांसफार्मर खराब होने पर बिना पैसे दिए नहीं बनता था, 10 मार्च के बाद 2017 से दोगुना पैसा लगाकर यहां का विकास किया जाएगा। लेकिन अब 15,000 से नहीं 50,000 से जिताने का काम कर रहा है। जिताओगे दोनों हाथ को, अंदर बाहर खर्च दोनों हाथ ना कटाओ, जिताओगे मुझे अंदर माताओ दोनों हाथ में बताओ, दोनों हाथ ना करके मुझे सब पर भरोसा होता। लेकिन आज की सभा में मैं विशेष तौर से मन पर विराजमान हरिवंश उपाध्याय आते हैं, मैं आप सब लोगों को आज यहाँ पर कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों बहनों, मेरे भाइयों बहनों, मेरे परिवार के सदस्यों, मेरे कार्यकर्ता साथियों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी वाले जब सरकार बनाएंगे, मैंने कई दोस्तों से पूछा, सबने कहा समाजवादी पार्टी की कुंडली में श्री अखिलेश यादव जी की कुंडली में अभी 25 साल तक राजयोग है ही नहीं। साइकिल पंचर हो गई 2014 में, 2017 में, 2019 में और साइकिल चकना चूर हो रही है 2022 में। इनके कुछ गुंडों का मनोबल बढ़ गया। कल एक उत्तार अंसारी का बेटा जो सपा गठबंधन का प्रत्याशी है,
उनसे धमकी दिया, देखा कि नहीं आप लोगों ने? तो देखे जरा हम सारे बताओ, देखा है? उनसे धमकी दिया कि आने वाली 10 तारीख के बाद सपा की सरकार बनेगी तो हम अधिकारियों को देख लेंगे। अरे मियां कान खोल करके सुन लो, 10 तारीख के बाद भी कमर फिर रहा है, भाजपा की सरकार बन रही है। अभी तो तुम्हारे पास भी जेल के अंदर है, तुमको भी उल्टा लटका करके सीधा करने का काम करेंगे। राजयोग नहीं है सर, दोबारा प्लीज। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी की कुंडली में राजयोग नहीं है। भाजपा की सरकार 2017 में बनी थी और 2042 तक लगातार रहेगी। अब गुंडों और गरीबों के बीच की लड़ाई है, गरीब जीत रहा है, गुंडे हार रहे हैं। 3 चुनाव इनको हरा चुके, चौथा चुनाव भी हराएंगे। सैयद राजे विधानसभा सहित चंदौली की चारों सीटों को जीत करके चौका लगा रहे हैं और प्रदेश में 300 से ज्यादा सीटें फिर जीतने जा रहे हैं। जय श्री राम। जो दंगे करने वाले हैं ना, उनकी जगह छुट्टा नहीं घूमेंगे, जेल में भेजेंगे 10 के बाद।